राहे जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तू दरिया से क्यों पूछ रहा कि तीर कहाँ तक जाएगा। उठा धनुष और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। मेरे बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत परेशान हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, और मुझे काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम हम क्या करें। तो आज मैं आप सभी को वो टिप्स बताने जा रही हूँ, और आज से मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल उत्तराखंड की रामबाण सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, कि जो आपके उत्तराखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसे कहते हैं ना, संजीवनी बूटी होगी। बच्चों आप यकीन मानिए, शायद कहते हैं ना, जो व्यक्ति जिस पथ पर चला होता है उसे उस पथ पर चलने का अनुभव होता है। तो शायद जो मेरा उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं का जो अनुभव है, वो आज मैं, कि मैंने किस तरीके से प्रश्नों को ढूंढा, ऐसे मैंने कौन सी टेक्निक अपनाई कि मैंने कभी उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम में हार नहीं मानी। सफलता के हर पथ पर मैं चली हूँ और मुझे सफलता मिली है। तो उसी सफलता की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, और साथ ही साथ आज से आप सभी मेरी उत्तराखंड की जो रामबाण सीरीज है, जिसमें मैं उत्तराखंड की सारी जीके, देखिए आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे आपका पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का, ग्रुप सी का, वन दरोगा, दरोगा भर्ती, आबकारी अधीक्षक, आबकारी निरीक्षक, कोई भी एग्जाम जो उत्तराखंड का होगा, तो मेरे बच्चे जो परेशान रहते हैं कि मैडम उत्तराखंड कहाँ से पढ़े, तो आप यकीन मानिए, अब आगामी 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्जाम है। अगर आप मेरी ये सीरीज 14 जुलाई तक मैं बनाऊंगी, उसके बाद भी अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर आप मुझे मुझसे 14 जुलाई तक जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल जरूर हो पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे नोट्स हैं, मैं आपको वो टेक्निक से पढ़ाऊंगी, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने प्रीलिम्स में, जब उत्तराखंड पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, उत्तराखंड पीसीएस 2012 में मेरा चयन जिला सूचना अधिकारी के पद पर हुआ था। उस समय का उत्तराखंड पीसीएस 2012 का जो परीक्षा थी, प्री में और मेंस में, मेरी सारी उत्तराखंड की ट्रिक्स मेरी काम आई, और आगे भी, हालांकि आगे मैंने परीक्षाएं नहीं दी क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मैं भी जो भी परीक्षा का पैटर्न देखती हूँ, सब में वही क्वेश्चन उसी तरीके से आते हैं। तो मैं आपसे ये कहती हूँ, आप इधर उधर कोचिंग में भटकते हैं या दूसरों से किताबें या नोट्स मांगते हैं, मैं कहती हूँ बस 14 तारीख तक आप मेरी वीडियो के माध्यम से, और जो मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगी उसके माध्यम से यदि आप जुड़े रहे, तो निश्चित ही प्रारंभिक परीक्षा में आप सफलता जरूर हासिल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि बच्चों मेरे पास वो शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स, उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड के पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार, या उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, उत्तराखंड की पत्रकारिता, सबके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगी, और साथ ही के साथ मैं टेस्ट सीरीज आपकी चलाऊंगी। उस टेस्ट सीरीज को आप गंभीरता से प्रश्नों को समझना और रिवीजन करते रहना। मैं ये मानती हूँ, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे उत्तराखंड प्रवक्ता हो, पीसीएस हो, कोई भी आपका एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें ये प्रश्न आपके काम ना आए। तो आप सभी, क्योंकि आज मैंने इसको संजीवनी बूटी या रामबाण सीरीज इसलिए बोला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में आते ही हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं, और जिनकी प्रबल संभावनाएं होती हैं आने की, मैं वो सब आपसे डिस्कस करूंगी। दूसरी बात, कई बार कहते हैं मैडम फ्री तो हो जाता है, मेंस में प्रॉब्लम आती है। बच्चों अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो कि जो आपकी प्री की क्वालिटी है वो मेंस में भी काम है। मुझे आज तक याद है, आप उत्तराखंड पीसीएस का 2012 का मेंस का प्रश्न पत्र उठा के देखना, एक 2 नंबर का प्रश्न था जिसमें पंच बद्री पूछे गए थे, पंच प्रयाग पूछे गए थे, पंच प्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम पे हैं, उन नदियों के नाम पूछे गए थे। तो मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि जिंदगी में आप पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार कौन सी नदियों के संगम में है, या पंच केदार में किस शिव के किस रूप की पूजा की जाती है, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे।
तो आप यकीन रखिएगा, जो मैं अपनी ये वेब सीरीज, ये अपनी यूट्यूब की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। आप मेरा चैनल, जो यूट्यूब का चैनल है तनु मैम सोशियोलॉजी वाली, उसको और स्टूडेंट तक भी पहुंचाना, और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा मेरे उत्तराखंड के बच्चे मुझसे जुड़े और इस उत्तराखंड की जीके की सीरीज का लाभ उठा सके। तो बच्चों, मेरी जो सीरीज होगी उससे आप जुड़िए, साथ में नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपना चैनल तनु मैम सोशियोलॉजी वाली का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि मैं नोट्स भी आपको उत्तराखंड के प्रोवाइड करती रहूंगी। साथ ही साथ बच्चों, जो मेरा यूट्यूब चैनल है तनु मैम सोशियोलॉजी वाली, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस चैनल को पहुंचा देना। पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जल्द ही नई वीडियो और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो।